हेलो दीदी भैया लोग नमस्कार। मैं बलवंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाव और धारा से संबंधित प्रश्नों को, नाव और धारा से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें मैंने लो लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसको देखने के बाद आपको नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बिल्कुल बारीक से बताया और बेसिक्स और ट्रिक दोनों से मैंने इस वीडियो में नाव एंड धारा वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसको देखने के बाद बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है यहाँ से जो नाव धारा से क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने क्वेश्चन की ओर। इसके लिए हमारा दो सूत्र है मात्र। पहला, नाव की चाल। पहला नाव की चाल। नाव की चाल के लिए हम क्या करेंगे? तो नाव की चाल के लिए हम करेंगे धारा के दिशा में चाल। धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल, माइनस करेंगे धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, विपरीत चाल बटा में टू, ये हमारा नाव की चाल के लिए आ जाएगा। और यह हमारा धारा की चाल के लिए आ जाएगा। धारा की चाल के लिए वही है, माइनस कर देना है, उसमें प्लस करना है। देखिए इसमें प्लस करना है और इसमें माइनस कर देना है, और इसमें माइनस कर देना है धारा के साथ माइनस धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल बटा में टू, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। चलिए इसको कैसे यूज करेंगे अभी सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को। और एक बात, धारा के साथ चाल के लिए चाल हो जाएगा हमारा x प्लस वाई धारा के साथ में, और विपरीत में हमारा में हो जाएगा x माइनस वाई, ये साथ के लिए हो जाएगा और ये विपरीत के लिए हो जाएगा, x माइनस वाई विपरीत के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति क्या है? तो पहले हम ये निकालेंगे उस धारा के साथ जाने में कितना कौन सा चाल से जाता है। तो 2 किलोमीटर है तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, यानी कि 20 मिनट, 20 मिनट हो गया, यानी कि 20/60 मिनट, इसको घंटा में चेंज कर दिया दूर 60 लिखकर, यानी कि क्या है साथ में, यानी कि धारा के विरुद्ध में उसे यह समय लगता है, यानी कि विरुद्ध में यह धारा के विरुद्ध में यह चाल हो गया, विपरीत में यह हमारे विपरीत में चाल होगा और ये धारा के साथ में, तो दूरी बटा समय, तो ये हमारा चाल हो जाएगा 15/, तो इसको भी घंटा में बदल लिए। तो हमारा सूत्र क्या होता है, तो पूछा है क्वेश्चन में धारा की गति क्या है, धारा की गति तो हमारा सूत्र होता है, अभी बताएं आपको धारा की चाल ज्ञात करने के लिए, धारा की चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा में टू, तो धारा के साथ चाल कितना है हमारा, ये हो गया धारा के साथ चाल ये हो गया, ये साथ चाल हो गया, धारा के साथ हमें विपरीत में हो गया, तो क्या दिया धारा के साथ में को और उसको घटा देना है, यानी कि इसको करेंगे 15/60, यानी कि 60 ऊपर चल जाएगा हमारे, ये 15 नीचे, माइनस कितना करना है 2/
20 हमारा नीचे हो जाएगा और ऊपर हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 20 थी आई 60, 15 चूके 60, यानी कि 4 दुना का 8 माइनस 20 60, 3 दुना का 6, 8 में 6 है 2, इसका दे 2 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक व्यक्ति को पी से क्यू तक धारा की दिशा में जाने तथा क्यू से पी तक विपरीत दिशा में आने में 10.1/2 घंटे लगते हैं, तो पी से क्यू के बीच की दूरी क्या है? देखिए तो धारा के साथ चाल, तो धारा के साथ चाल उसके पास है 7, धारा के साथ उसके पास चाल है 7+3 यानी कि 10, धारा के साथ चाल हो गया। अब धारा के विपरीत चाल उसके पास हो गया 7-3 यानी कि 4, ये चाल हो गया। तो दूरी हमारा मान लेंगे उससे कि 1 किलोमीटर दूर है, तो दूर दोनों चाल साथ साथ हो गया, तो उससे दोनों आने और जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 10.5 यानी 10.5 घंटा। तो ये धारा के साथ एक बार जा रहा है, तो धारा के साथ इसका चाल हो गया 10, तो ये समय हो गया दूरी बटा समय, और धारा के विपरीत में उसे कितना समय लग रहा है, तो 1/2 दूरी उतनी है, समय घट जा रहा है, धारा के विपरीत में उतने उसे इतना समय लगेगा, तो दोनों को समय मिला कितना उसे लगा है, 10.5 घंटा उसे समय लगा है। तब देखिए इसे लघुतम निकालेंगे, 10^4 का लघुतम हमारा 20 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा 2x, इधर प्लस इसको करेंगे तो 4, 5, 6, 20 यानी कि 5x = 21/2, 2 × 10 = 20, तो 5×2 = 7x, ये 10 इधर गुना में है, भागा में तो इधर गुना में चल जाएगा, 21×10 तो 7×3 = 21 यानी कि 3×10 = 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर होगा दूरी। यदि धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर घंटा है, तो नाव की चाल एवं धारा की चाल है। तो देखिए नाव की चाल हमारा हो जाएगा, नाव की चाल यानी कि 9 माइनस कर देंगे, 9-3, तो ये हमारा नाव की चाल नहीं धारा की चाल होगा, पहले सूत्र बता रखे हैं धारा की चाल के लिए, धारा माइनस नहीं, तो धारा की चाल होगा, 2/2 9 में से 3, 6/2, तो यहाँ धारा के 3 किलोमीटर/आवर, ये हमारा धारा का हो गया धारा की चाल। अब निकालेंगे नाव की चाल, तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करें, जोड़ेंगे 9, 2, 9, 3, 12/2, तो 9, 3, 12/2 2×6 = 12, 6 किलोमीटर/आवर नाव की चाल। एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या है? तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है, तो जल की गति तो हमेशा कम होगा, तभी हमारा नाव ना जल के धारा के विरुद्ध काट कर चलेगा, तो हमेशा नाव जल का जो चाल है हमेशा कम रहेगा नाव के चाल से, तो इसलिए हमेशा कम रहेगा, तो उसे हम माइनस करके ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है जल के प्रवाह की गति क्या है, तो जल के प्रवाह की गति क्या है, तो हमारा सूत्र होता है धारा के साथ चाल माइनस नाव की चाल, तो धारा के साथ कितना दिया है, बहाव के साथ चाल 6 हो गया बहाव के साथ, और बहाव के विपरीत दिया है 4, तो बहाव के विपरीत में हम 4 कर देंगे, तो ये हमारा हो गया धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल, तो दोनों करके माइनस करते हैं जब धारा की चाल निकालना होता है, और दूसरे डिवाइड करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है अभी बताएं तुरंत, तो इसको घटाएंगे 6 में से 4 गया 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2×2 यानी कि 1 किलोमीटर/आवर हमारा आंसर होगा।
एक नाव की शांत जाल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग क्या है? देखिए, धारा के एक नाव धारा के शांत जल में चाल 2 किलोमीटर यानी शांत जल में, तो धारा का वेग धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर घंटा है यानी कि धारा के शांत जल में चाल। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे मानेंगे धारा की चाल हमारा क्या है, 100 है, ठीक है। धारा की चाल हमारा 100 है, नाव की चाल y है, नाव की चाल y है, नाव की चाल y, धारा की चाल 100 है, ठीक है। धारा की चाल 100 है, नाव की चाल y है। तो अब दिया है क्वेश्चन में यदि धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर घंटा है तो धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा हमारा, वाई माइनस एक्स, धारा के विपरीत चाल, तो वाई माइनस एक्स क्वेश्चन में दिया है 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो एक्स का मान वैल्यू हमारा दिया है, वाई का वैल्यू हमारा दिया है, यानी कि नाव की चाल क्या है, नाव की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो नाव की चाल यहाँ पर दिया है, तो वाई का वैल्यू तो हमारा यहाँ 2 है, तो यहाँ से हम रख देंगे वाई का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1 = 1, तो हमारा 1 = हो जाएगा, तो 1 = हमारे पास हो जाएगा 1, यानी कि 1 = 1 हुआ और नाव की चाल 2 है, तो 1 से कम वैल्यू तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो पूछा क्या है, धारा का वेग क्या है, तो धारा का वेग हमारा हो गया सिंपल एकदम, धारा का वेग हमारा 1 किलोमीटर पर घंटा हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर था, धारा के विपरीत 13 किलोमीटर दूरी जाता है, तो धारा की चाल किलोमीटर घंटा में क्या होगी? तो देखिए, ये पाँच घंटा दिया है हमारा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 घंटा इसलिए दिया कि समय एक है दोनों का, यदि धारा के साथ जाता है तो 28 किलोमीटर दूरी तय करता है उतना ही समय में, और धारा के विपरीत जाता है तो उतना ही समय में 13 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यानी कि धारा के साथ चाल हो जाएगा हमारा, धारा के साथ हमारा चाल हो जाएगा 28/5 धारा के साथ चाल, ठीक है। और धारा के विपरीत चाल हमारा क्या हो जाएगा, 13/5, ये धारा के विपरीत चाल हो गया। तो हमारा सूत्र क्या होता है, धारा की चाल निकालने के लिए सूत्र हमारा होता है धारा की चाल माइनस धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल, हमारा फॉर्मूला होता है, अब बाटा में हम 2 करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हुआ था 28 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 में से 3 गया 5, और जो 8 में से 3 गया 2 में से 1 जाएगा 1 15/5, यानी कि और 2 जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 3 15 ये हमारा कट गया, 5 3 15 इसको काट दिए तो हमारा आंसर क्या आया, 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर हावर, ये हमारा आंसर। वो 5 हमको दिया है इसे, तो धारा के साथ ये चाल हो गया, धारा के विपरीत चाल हो गया। तो हमारा फॉर्मूला है धारा की चाल बराबर धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा में 2, ये हमारा फॉर्मूला है, उसी पर इसको रख दिए हैं। एक नाव की स्थिर जल धारा में गति 8 किलोमीटर पर घंटा है, यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर घंटा और धारा दिशा में 20 किलोमीटर घंटा सफर करने में समान समय लेता है तो धारा की गति क्या होगी? तो देखिए, ये जो हमारा नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिए, नाव की चाल है जो कि स्थाई है, जो हमारा धारा के साथ से कोई संबंध नहीं रखता है, ठीक है। देखिए, तो नाव की चाल हमारा हो जाएगा एक से, नाव की चाल एक से कर दिए, तो नाव की चाल जो हमारा एक से नहीं 8 दिया है, नाव की चाल हमारा 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर, तो नाव की चाल तो हमारा दिया है जो हमारा धारा से कोई संबंध नहीं, सिर्फ नाव का चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है, धारा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो फिर आगे दिया है और नाव का हो गया, हम धारा का मान लेते हैं x, धारा का चाल मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर। और आगे दिया है हम यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर दूरी, तो धारा के विरुद्ध है तो 12 किलोमीटर की दूरी कर दिए, और धारा के विरुद्ध हमारा हो जाएगा माइनस कर देंगे, धारा के विरुद्ध चाल हमारा हो जाएगा 8 - 1, क्योंकि जब धारा की चाल जो उसको करेगा तो 8 किलोमीटर की चाल से धारा के जितना चाल रहेगा उतना घट जाएगा, तो धारा के विपरीत चाल हमारा ये हो जाएगा।
ये हमारा दूरी हो गया, दूरी बट्टा चाल हो गया, हमारा समय हो गया। तो ये समय हो गया और दिया है धारा के दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी। तो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करे धार, यह दूरी तय करते हैं कैसे, 20 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करे, धारा की दिशा में 8 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा दोनों का चाल बढ़ जाएगा, यानी कि धारा के चाल मिल जाएगा और ना का चाल मिल जाएगा, तो उसका चाल बढ़ ना जाएगा, परंतु समान समय लगता है, दोनों दूरी को तय करने में समान समय लगती है। हमारा हो गया समय। अब हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक से का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बार हम शॉर्ट लॉन्ग में सॉल्व कर देंगे, बाकी हम शॉर्ट में करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 8 96, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 12 8 96 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 12x, ठीक है। इसको बराबर कर दिए, इसे 8 × 16 यानी कि 160 माइनस करेंगे -20x, ये हमारा हो जाएगा -20x। तो 96 इधर 160 है तो माइनस इधर हमें तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 12x प्लस 12 नहीं 20 हो गया, ये 160 इधर है 96 तो इधर माइनस में कर दिए 96, ये हमारा हो गया 96 करेंगे तो ये हमारा हो गया। इसके देखते हैं तो 12 20 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32x कितना हो जाएगा 10 में 6 हो गया 4, 15 में से 9 हो गया 6, यानी कि 32 × 64 यानी कि 2 किलोमीटर पर घंटा हमारा चाल हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग में कर दिया, अब शॉर्ट में करेंगे, इतना ज़्यादा समय नहीं लेंगे करने के लिए, शॉर्ट में कोशिश करेंगे करने के लिए। एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी जाती है और धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी जाती है, तो धारा की चाल क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें तो कुछ का चाल नहीं दिया है, अलग अलग देख सिर्फ घंटा दिया है और हमारा दूरी दिया है, तो इसे कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मानेंगे 100 किलोमीटर 10 घंटे में, तो 100 किलोमीटर की दूरी हम लिखेंगे यहाँ पर, 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर दूरी किस कैसे तय करती है, तो धारा के साथ, तो धारा के साथ यानी कि नाव की चाल हमारा x हो गया और धारा की चाल y हो गया, तो और दोनों को जोड़ देंगे तो धारा के साथ ही हमारा चाल हो गया, ठीक है। और समय कितना लग रहा है इसको, तो ये हमारा दूरी हो गया, दूरी बटा ये हमारा चाल हो गया, यानी कि धारा के साथ चाल हो गया, तो इसका समय कितना लग रहा है 10 घंटे, ठीक, ये हमारा हो गया। और दूसरा हमारा दिया है, ये एक समीकरण हमारा यहाँ से निकलेगा, दूसरा समीकरण हमारा यहाँ से निकलेगा। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, दिया है धारा के विपरीत 15 घंटे 75 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि 75 किलोमीटर धारा के विपरीत है, धारा के विपरीत में एक से माइनस वाई कर देंगे, धारा के विपरीत चाल हमारा होता है x माइनस वाई, धारा के साथ चाल होता है x प्लस वाई, ये हमारा नाव के चाल है x। अब इसको कितना समय लगता है 15 घंटा, ये हो गया हमारा 15 घंटा। और इससे अब हम देखते हैं क्या, तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई बराबर 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमारा x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया 10, इसको सॉल्व किया 15 5 75, तो x माइनस वाई बराबर मिल गया 5, ठीक है। अब दोनों को जोड़ते हैं, जब दोनों को जोड़ेंगे हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो एक से और एक से हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये इसको जोड़ेंगे तो हमारा कट जाएगा प्लस माइनस में तो कट जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 2x 15 10 5 15 यानी कि 2x 15 हो गया। तो एक से का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसको काट देंगे 75 यानी कि 7.5, इतना हमारा हो गया एक से का वैल्यू। तो एक से क्या वैल्यू की हमारा दिया धारा की चाल, तो एक से हमारा धारा की चाल नहीं, एक से हमारा जो है नाव की चाल है, ठीक है। एक से जो हमारा है धारा की चाल नहीं, नाव की चाल है, तो नाव की चाल हमारा हो गया 7.5। तब देखना है कि धारा की चाल क्या होगा, ठीक है। तब इसको हम समीकरण में रखते हैं, ये एक समीकरण हमारा हुआ था एक समय, तो किसी समीकरण में हम रखेंगे, ठीक है। तो हमारा एक से का वैल्यू तो 7/5 होगा, इसमें हम रखते हैं, मान लीजिए इस समीकरण में रखते हैं, इस समीकरण का वैल्यू था हमारा x माइनस वाई बराबर 5 था ना, ये हमारा जो समीकरण दूसरा था उसका वैल्यू x माइनस वाई बराबर 5 था, तो x का मान तो हमारा आ गया है 7.5 रख दिए, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस में तो इधर चल जाएगा प्लस में, तो y बराबर आ जाएगा यानी 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 2.5 हमारा हो जाएगा धारा की गति किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा आंसर होगा 2.5 यानी कि 2.5 2 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा।
एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। तो नदी की धारा की गति क्या है? जैसे एक व्यक्ति शांत में 6 किलोमीटर घंटा की गति से नाव चला सकते हैं, यानी कि नाव की चाल दिया है, ठीक है, यानी कि नाव की चाल हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो नाव की चाल हमारा हो गया कितना दिया है, नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर हमारा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब दिया है एक नदी में नाव चलने समान दूरी, तो समान दूरी, तो दूरी बराबर मान लेंगे, डी मान लिए दूरी हमारा डिस्टेंस, तो समान दूरी, डिस्टेंस समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में, तो धारा के विरुद्ध चाल कर चला रहा है, तो धारा का मान लेंगे हम एक्स मान लिए, धारा की चाल एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिए। अब दिया धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जाने में हमारा चाल क्या हो जाएगा, तो धारा के विरुद्ध जाने में हमारे पास समय चाल हो जाएगा 6 माइनस 1, यानी नाव का चाल हो गया धारा की चाल, जब विपरीत में जाएगा तो घटा देंगे, तो विपरीत में हो गया और ये दूरी जो है, और फिर धारा के साथ चाल, धारा के साथ चलता है तो उतना ही समय लगता है, दूरी उतना ही है, और जब धारा के साथ चलता है तो उसका चाल बढ़ गया तो जल्दी ना पहुँचेगा, यानी कि दोनों समान है, तो इसको जोड़ेंगे 6 प्लस 1 कर दिए, ठीक है। अब दिया है समय दुगुना लगता है, यानी कि विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने के लिए तुलना में दुगुना समय लगता है, यानी कि जब विपरीत में चलेगा तो उसका चाल कम हो जाएगा, तो इससे समय क्या लेगा, दुगुना समय ले लेगा, ये जो है हमारा, इससे ये दुगुना समय ले लेगा, किस से, यानी जो धारा के साथ चल रहा है तो उसका चाल ज़्यादा है तो जल्दी पहुँचेगा, और इसका धारा के विपरीत में चाल कम है तो देरी से पहुँचेगा, यानी कि इससे दुगुना समय उसे लगेगा, तो इसको हम दुगुना कर दिए। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको दुगुना कर दिए तो इसको सॉल्व करके निकालते हैं हमारा कितना मिलता है, देखिए तो ये हमारा जो 2D हो जाएगा, तो ये हमारा डी और डी कट गया, ठीक, डी और तो इसको हम घटाएंगे, डी हमारा कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 × 12 -2x, जब इसको करेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा 6 + x, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे तो 12 - 6 = माइनस में इधर चलेगा प्लस में, तो 3x, तो हमारा 12 - 6 हो गया, 6 हो जाएगा। अब इसको 3x करेंगे तो x बराबर आ गया 2, यानी कि x बराबर 2 है, तो यानी कि 2 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी जाती है, परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेते हैं, धारा की चाल क्या है किलोमीटर घंटा, देखिए तो एक नाव शांत जल में 1 घंटे में कितना दूरी तय, 6 किलोमीटर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल दिया है, तो नाव की चाल लिख देते हैं हम, नाव की चाल एक, नाव की चाल हमारा दिया है 6 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में, नाव की चाल हमारा दिया है, धारा की चाल नहीं दिया, तो धारा की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल हो गया। अब दिया धारा, धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है, धारा की ही दूरी प्रतिकूल, तो प्रतिकूल चलती है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगे, तिगुना समय लेती है, तो मान लीजिए हमारा दूरी ये है तो धारा के प्रतिकूल चलती है, धारा के प्रतिकूल चाल हमारा हो जाएगा 6 - 1 से, और धारा के कुल हो जाएगा डी बटा, यानी कि कुल दूरी डी बटा में, तो साथ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 6 + 1 से, इससे क्या करते हैं तिगुना समय लगता है उसे धारा के विपरीत जाने में, क्योंकि धारा के विपरीत जाएगा तो उसका चाल कम हो जाएगा, तो चाल कम है तो अधिक समय लगेगा, किससे, इससे, इससे तिगुना समय लगता है, तो ये हमारा हो गया डी कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 × 3 = 18x, ये हमारा 3x हो जाएगा, तो इसको कर 3x हो जाएगा, ये इधर हम करेंगे तो हमारा इधर हो जाएगा -6 हो जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा 3×1 = 4x हो जाएगा, तो 18 में 6 हो गया 12 हो जाएगा, तो 12 = 3 = 12, यानी कि x = 3 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा, देखिए तो हमारा ट्रिक है, यानी कि जो हमारा चाल दिया रहेगा उसे हम लिख देंगे, नाव की चाल हमारा ये हो गया
और क्या दिए, कितना गुना का है, तिगुना क्या है, तो नाव के चाल ऐसे लिख दें तिगुना का है, तो तीन यहाँ पर लिख देंगे और इसमें से क्या करेंगे एक घटा देंगे, ठीक है। और बाटा में क्या करेंगे, एक तिगुना कह रहा है तो तीन गुना लिखेंगे, तो ऊपर में एक घटाएंगे और नीचे में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, ये हमारा ट्रिक है। देखिए उतना ही आंसर आएगा, तो इसको करेंगे तो छः गुना तीन में से एक गया दो हो गया, तीन एक चार, तो इसको करेंगे दो दूना चार, दो तीन यहीं छः, देखिए तो ये हमारा आंसर आया ना 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारा ट्रिक है, परंतु बेसिक से समझेंगे तो आसान रहेगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ट्रिक याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, तो इसलिए दोनों को यूज किए आपके अपने इच्छा के अनुसार। एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की जाता है, तो धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूर जो है चाल से जाता है, तो सांझल नाव की चाल क्या है, तो देखिए दिया धारा की, देखिए तो इस क्वेश्चन में एक नाविक बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में चाल किया है, तो बहाव की दिशा में चाल हो जाएगा एक्स प्लस वाई, बहाव की दिशा में चाल, बहाव की दिशा में दिया 1 किलोमीटर दूरी 7.5 मिनट में तय करता है, तो मिनट इसको घंटा में चेंज करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 गुने इधर है, ये हमारा बड़ा चिन्ह है, तो बड़ा चिन्ह है, तो यानी कि इससे भागा इसमें देना है, तो भागा करेंगे तो गुना में इसको चेंज कर देंगे, ये हो गया 60/75, इसके पॉइंट के बदले ऊपर हम 10 देंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं 25 यानी कि 25 से नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे 5 ले काटेंगे, तो 15 5 75, इसको 5 ले काटेंगे तो 5 दुना का 10, ये हो गया 15 चौके 60, 4 दुना का 8 किलोमीटर पर हमारा घंटा, ये हमारा हो गया धारा के साथ चाल। अब धारा के विपरीत चाल दिया है, एक समय सही बराबर हमारा 5 दिया है क्वेश्चन में, धारा के विपरीत चाल दिया है कि धारा के विपरीत में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है, तो ये हमारा हो गया। और इस तो नाव की चाल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं, धारा के साथ चाल हो गया 8 और धारा के विपरीत चाल हो गया 5, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो नाव का चाल निकल जाएगा, और धारा का निकालना है तो घटाकर 2 से भागा देते हैं, तो नाव का है इसलिए दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि नाव का बड़ा होता है धारा का छोटा होता है, इसलिए हम नाव का बड़ा इसलिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, 8 5 13/2 यानी कि 6.5 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर होगा नाव की चाल, ठीक है। एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय करता है, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो उसी दूरी को वह 30 मिनट में तय करता है, तो नदी की चाल क्या है। देखिए नदी के बहने की दिशा में निकालने का मतलब दोनों चाल जुड़ जा रहा है, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 1 किलोमीटर दूरी कितने में 10 मिनट में, तो 1/10 कर दिए, इसको घंटा में चेंज करने के लिए हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 गुने 60/10 चेंज करेंगे तो ये हमारा कट गया, यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है। धारा के साथ चाल, अब दिया धारा के विपरीत में वह उसी दूरी को वह 30 मिनट में तय करते हैं, उसी दूरी को यानी 1 किलोमीटर दूरी को, तो उसी दूरी को वह कितना में तय करता है, तो 1 गुने 60/30 यानी 30 मिनट में तय करता है, तो 30 दूना 60 हमारा 2 किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है। तो हमारा धारा का विपरीत हो गया। अब कहा है तो नदी की चाल क्या है, तो नदी की चाल के लिए क्या कहें, नदी की चाल हमारा कम होता है तो दोनों को घटा देंगे, यानी धारा के साथ जो चाल होता है और जो धारा के विपरीत चाल होता है दोनों को घटा कर और 2 से भागा करते हैं, जो अभी हम पहले करके जोड़ कर नाव का चाल निकाले थे, उस धारा के चाल निकालने के लिए घटा कर निकालते हैं, तो करते हैं इसको, तो इसको हम घटा देंगे 6 में से 2 गया/2 ऐसे करते हैं, हमारा फार्मूला ही होता है, तो 6 में से 2 गया/4 यानी इसको काट देंगे तो 2 किलोमीटर पर घंटा यह हमारा आंसर होगा। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो देखिए अनुप्रवाह का अनुप्रवाह दिया है, तो अनुप्रवाह कहने का मतलब यानी कि धारा के साथ, ठीक है, अनुप्रवाह कहने का मतलब धारा के साथ है। चलिए देखते हैं, तो अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ, धारा के साथ दिया है यानी कि x + y दिया है हमारा, x + y, ठीक है, x + y दिया है 30 किलोमीटर 2 घंटे में, तो x + y तो हमारा चाल निकल गया
35 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो हमारा इतना हो गया, तो इसको करेंगे 15, तो यहाँ निकल गया 15 किलोमीटर पर आवर धारा के साथ। अब देखिए जबकि वापस आते समय नौका वही दूरी तय करें 6 घंटे ले, वही दूरी यानी 30 किलोमीटर की दूरी, तो वापस आने में माइनस हो जाएगा, तो 30 बटा क्या करते हैं, नौका की गति से आधी समय लेती है, नौका की गति से आधी समय लेती है। यानी हमारा क्वेश्चन में दिया है यदि नौका यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, यानी कि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, माने कि नौका की गति माने हम x, और दिया है कि प्रवाह की गति यानी कि y बराबर नौका की आधी है, तो नौका की आधी हमारा y बराबर हो गया, ठीक है, ऐसे दिया है। देखिए तो इतना ही से हमारा आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ना ही नहीं है, इतना ही से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा x प्लस वाई बराबर 15 हो गया, ठीक है। तो जब x प्लस वाई बराबर 15 हो गया तो हमारे पास y x का वैल्यू इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इसके अनुसार जी हाँ हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर दिया है 15, ठीक है, इसको हमें नहीं करना, इतना से हमारा आंसर आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 15 दिया है, तो x का वैल्यू 2y रखेंगे, तो x का वैल्यू हम लिख दिए 2y, और प्लस वाई है यहाँ पर, तो प्लस वाई कर दिए, वैल्यू कितना दिया है 15 है, तो 15 कर दिए, ठीक है। तो 2y कितना हो गया, 3y हो गया, तो 3y बराबर 15, 3 × 5 = 15, यानी कि y का वैल्यू हमारा कितना हो गया 5, ठीक है, यानी कि धारा की चाल हमारा क्या हो गया, नाव नदी का चाल हमारा 5 हो गया, 5 किलोमीटर। पूछा क्या है, गति कितनी है, नौका की गति कितनी है, तो हमारा धारा की गति हो गया, क्योंकि वाई हमारा है धारा, ये तो हमारा 5, धारा की गति हो गया, तो नौका की गति हमारा कितना हो जाएगा, ये x हुआ, तो 2y, तो 2y कर देंगे यानी 5 × 10, तो नौका की गति हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ना है, जो 30 हमारा दिया है उससे हमें कुछ नहीं करना, इतना ही से हमारा आंसर आ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया तो आंसर आपका मिल जाएगा। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। देखिए तो धारा के साथ हमारा चाल x प्लस वाई यानी कि 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है 1 घंटे में, 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। दूसरा दिया है धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल की इतना हो जाए, दूरी कितना दे 20 किलोमीटर दूरी दिया है, यानी कि 1 घंटे 20 किलोमीटर जाती है, तो 20 किलोमीटर की दूरी कितना समय पर करती है, 2 घंटा में तय करती है, तो हमारा चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा चाल हो गया, धारा के साथ चाल हो गया, धारा के विपरीत चाल हो गया, तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या सूत्र हमारा है, फॉर्मूला है कि दोनों को जोड़ देते हैं, धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल को दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास 20 और 10 30 और इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं, नाव की चाल के धारा की चाल होगा, तो उसे हम घटा कर निकालते हैं, 20 में से 10 घटाएं धारा के चाल उत्पन्न होते हैं, हमारे नाव के चाल इसलिए जोड़ के निकालेंगे, तो 20 × 10 = 30 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या है। देखिए तो नाव की धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कर देंगे x प्लस वाई, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 3 घंटे में, तो 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो हमारा समय चाल हो गया दूरी बट्टा समय, तो दूरी 24 समय हो गया 3 घंटे, हमारा चाल निकल गया दूरी बट्टा समय, तो 3×8 = 24 यानी कि 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है धारा के साथ, और धारा के विपरीत दिया है 6 घंटे में, यही दूरी से तय करने में कितना 6 घंटे लगते हैं, तो x माइनस वाई धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 6 घंटे लगते हैं, तो दूरी बटा चाल समय हो गया, तो इससे चाल निकाल देंगे 6 × 24 यानी 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर। तो पूछा इसमें क्या है, तो नाव की चाल, इस नाव की चाल के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, दो से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम जोड़ दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाए 8×4 = 12, 2 से डिवाइड करेंगे 2×6 = 12 यानी 6 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर होगा। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11.14 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7.12 मिनट लेता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। देखिए तो इसको करेंगे सबसे पहले 3/4,
देखिए इसमें तीन चौथाई देती है, इसको ये क्या चीज़ है क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। सबसे पहले क्या अगर तीन चौथाई को हम कुछ मान दिया धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई तीन चौथाई को कितने समय पार करता है, ये हमारा तीन चौथाई हो गया। तीन चौथाई को कितने समय पार करता है, ग्यारह चौक चौवालीस एक पैंतालीस बटा चार, ठीक है। तो इसे कर दिए पैंतालीस बटा चार ही कर दिए, मिनट है मिनट घंटा में बदलने के लिए हिसाब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया एक सौ माइनस वाई बराबर इतना हो गया। तो इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हमारा चार चार कट जाएगा, इसको कर दे तो पंद्रह तो पैंतालीस चौके साठ, तो हमारा तीन तीन इसको जब चेंज करेंगे तीन यहाँ पर हो जाएगा बाटा में, इसको करेंगे तो हमारा चार ऊपर चल जाएगा तीन नीचे गया, तीन तीन कट गया, तो हमारा चार किलोमीटर पर हावर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक्स प्लस वाई हमारा क्या मिलता है, तो एक्स प्लस वाई की उसी दूरी को तय करने से कितना समय लगता है, साढ़े सात। तो उसी दूरी को कहने तीन बटा चार को कितना समय लगता है इसको पार करने में, सात नीचे पंद्रह बटा दो यानी पंद्रह बटा दो, इसको घंटा में बदलने के लिए एक बटा साठ करेंगे, ये कर दिए पंद्रह चूके साठ हमारा कट, चार चार ये कट गया, ये दो बचा है तो दो अब नीचे है क्योंकि बटा में बचा है, तो तीन करेंगे इस भागा जो है इस तो हम ऐसे है यानी कि एक बटा दो ऐसे दिया, तीन में हमें एक बटा दो से भागा देना है इस तरह का है। तो इसको चेंज करेंगे तो हमारा दो पर चल जाएगा, एक नीचे होगा तीन दूना छः किलोमीटर पर हमारा, ये हमारा होगा। अब दिया है कि व्यक्ति की गति बताइए, तो व्यक्ति की गति यानी कि नाव की गति, व्यक्ति की गति यानी कि नाव की गति, तो क्या करते हैं धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड करते हैं, तो दोनों को जोड़ दिए तो हमारा कितना आ जाएगा, चार और छः दस हो जाएगा, छः और चार दस हो जाएगा। इसे दो से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पाँच किलोमीटर पर हावर, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि व्यक्ति या नाव के चाल निकाले दोनों को हम जोड़ते हैं और दो से डिवाइड करते हैं, ठीक है।